बालाघाट कोतवाली पुलिस ने चोरी के मामले में एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जो दो बार जिला बदर हो चुका है, साथ ही उसके पैर में रॉड लगी हुई है। इसके खिलाफ पूर्व में ही 25 से अधिक अपराध दर्ज हैं। इस संबंध में CSP अंजुल अंक मिश्रा ने बताया कि आरोपी आदित्य उर्फ मोंटू चौहान ग्राम भरवेली का रहने वाला है, जिसने शहर में दो स्थान पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी ने स्कूटी से पहुंचकर एक स्थान से LED की चोरी और दूसरे स्थान से जेवरात की चोरी को अंजाम दिया था। इसके पास से कुल 2.5 लाख रुपए का मशरूका बरामद कर लिया गया है। आरोपी के खिलाफ मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र में भी चोरी, लूट, मारपीट सहित 25 से अधिक अपराध दर्ज हैं, जिसके खिलाफ पूर्व में दो बार जिला बदर की कार्रवाई हो चुकी है। पुलिस ने CCTV फुटेज व मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपी को दबोचने में सफलता हासिल की। इसमें आसपास के क्षेत्र में CCTV कैमरा और लोगों से जानकारी प्राप्त करने पर मोंटू उर्फ आदित्य चौहान के बारे में जानकारी मिली कि वह इस क्षेत्र में देखा गया था। वह भरवेली क्षेत्र का निवासी है और उसके खिलाफ कई सारे अपराध पूर्व में भी पंजीपत है, तो जिसको पुलिस ने पकड़कर पूछताछ शुरू की तो उससे सख्ती से पूछताछ करने पर उसके द्वारा चोरी करना कबूल किया। सर, पूर्व में किस किस अपराध में लिप्त रहा है? इसके विरुद्ध लगभग सभी प्रकार के अपराध पंजीबद्ध है, मारपीट है, चोरी का हो, और महाराष्ट्र में भी कुछ अपराध इसके विरुद्ध पंजीबद्ध है। इसको दो बार पहले जिला बदर भी किया जा चुका है, तो इसकी शोहरत अपराध करने की पहले से। कितना मशरूका बरामद? कुल मिलाकर लगभग 2.5 लाख रुपए का मशरूका जब्त हुआ है, जिसमें एक TV है, कुछ चांदी के जेवरात भी है। बालाघाट से वीरेंद्र श्रीवास की रिपोर्ट।